गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टडी अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल कैन इलेक्टेड हर रिप्रेजेंटेटिव हिमसेल्फ। डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन है जिसमें लोग अपने नेता को खुद चुनते हैं। यहाँ पर अब्राहम लिंकन ने भी इसके लिए डिफाइन करते हुए कहा है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी लोगों से लोगों के लिए लोगों का शासन है। यहां पर हम पेज नंबर 207 पर आ चुके हैं गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट क्या है या गवर्नमेंट किस तरीके से कार्य करती है? गवर्नमेंट इज द बॉडी विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द अथॉरिटी टू मेक एंड इन्फोर्स रूल लॉ एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नियम कानूनों को इम्प्लाइज करती है या नियम कानूनों को चलाती है। द गवर्नमेंट रेफर टू ए सिविल इंस्टीट्यूशन विच कैन बी एदर एट द लोकल और नेशनल लेवल। गवर्नमेंट सिविल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत लोकल और नेशनल लेवल पर कार्य करती है। इट टेक कैन बी नीड ऑफ द पीपल या लोगों की जरूरतों को पकड़ती है, उनके वेलफेयर के लिए कार्य करती है। हावेवर कमर्शियल एकेडमिक रिलीजियस और अदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो गवर्न्ड बाय इंटीरियर बॉडी। आंतरिक रूप से विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट चलाई जाती है, कमर्शियल एकेडमिक रिलीजियस और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। सच बॉडीज में भी कॉल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजर्स एंड गवर्नर्स। इस बॉडीज के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, मैनेजर्स आते हैं और गवर्नर्स आते हैं। ऑल दीज पीपल्स मैनेज द अफेयर्स ऑफ देयर रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी लोग मैनेज करते हैं वे सभी अफेयर्स जो उनके आसपास घटते हैं और उन्हें सही तरीके से रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्यरत करवाते हैं। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रकार। गवर्नमेंट कितने प्रकार की हो सकती है? मुख्य रूप से गवर्नमेंट 3 से 4 प्रकार की होती है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक और डिक्टेटरशिप को दर्शाती है। यहाँ पर मोनार्की किसे कहते हैं? मोनार्की राजशाही को कहा जाता है। आपने सुना भी होगा राजा और राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता है, मोनार्की कहलाता है। इट इज द रूल बाय एन इंडिविजुअल हु हैड इनहेरिटेड द रूल एंड एक्सपेक्ट द बिक्वेंट इट टू हिज हर हेयर। इट दिस वे मोनार्की इज हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द अथॉरिटी टू रूल पास फ्रॉम वन हेयर टू अनदर टू द पीपल ऑफ द सम फैमिली और इवन ब्लड रिलेशन। अर्थात मोनार्की क्या है? मोनार्की राजा द्वारा शासन को कहते हैं जिसमें राजा के बाद उसके ही वंश का कोई दूसरा व्यक्ति राजा बन जाता है, उसका पुत्र अथवा पुत्री। अगर पुत्र पुत्री नहीं है तो उसके ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति, चाचा ताऊ वगैरह, या फिर उनके पुत्र या पुत्री वगैरह शासन संभाल लेते हैं। ये ब्लड रिलेशन के थ्रू चलता चले जाता है और इसमें राजा की अपनी एक अल्टीमेट पावर होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संविधान के रूप से मोनार्की। हम जानते हैं कि हमारे पास एक संविधान है, उसी तरीके से संविधान से जुड़े हुए मोनार्च कैसे हो सकते हैं? ए गवर्नमेंट डेट हैज ए मोनार्च हिज आर पावर आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड बाय द पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। मुख्य रूप से वहां के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा राजा या रानी के जो रूल्स हैं या जो पावर है उसे थोड़ा सा कम कर दिया जाता है ताकि वे किसी भी तरह का बुरा व्यवहार प्रजा के साथ या फिर लोगों के साथ ना कर पाए। एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड
किंगडम इसी का एक एग्जाम्पल है। आइए जानते हैं कि वो इस चीज का किस तरीके से एग्जाम्पल है। इन अदर वर्ड मोनार्ची कंसिस्ट ऑफ रूल ऑफ ए किंग और ए क्वीन। समटाइम ए किंग इज कॉल्ड एन एम्पायर स्पेशली इन देयर ए लार्ज एम्पायर सच एज चाइना बिफोर 1911। देयर आर नो लार्ज मोनार्ची टूडे। यूनाइटेड किंगडम विच हैज ए क्वीन इज एक्चुअली ए रिपब्लिक बिकॉज द क्वीन इज सिंपली ए सेरेमोनियल हेड एंड द पावर इज मेनली एक्सरसाइज बाय द पीपल रिप्रेजेंटेटिव सिटिंग इन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि वहां का जो राजा या रानी बनता है उसका काम सिर्फ सेरेमोनियल हेड के रूप में होता है या फिर ओकेशनल हेड के रूप में होता है। किसी भी प्रकार के त्योहार या फिर किसी भी प्रकार के ओकेशन में उसे सेरेमोनियल हेड बना दिया जाता है, बल्कि बाकी के जितने भी कार्य हैं वहां पर चुनी गई सरकार और पार्लियामेंट में बैठने वाले लोगों द्वारा किए जाते हैं। यहीं पर दूसरी चीज हम जानते हैं कि एम्पायरर किसे कहा जाता है। अगर किसी के पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र शासन करने के लिए है या फिर एक बहुत बड़ा किंगडम उसके पास है तो उस व्यक्ति को सम्राट कह दिया जाता है या फिर एम्पायरर कह दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक तीसरा टाइप है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, संविधानिक रूप से गणराज्य। इट इज द रूल बाय द गवर्नमेंट कंपोज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बाय द पीपल ऑफ द नेशन। दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल मेक एंड इन्फोर्स लॉ। मुख्य रूप से यह गवर्नमेंट द्वारा चुना गया रिप्रेजेंटेटिव होता है या गवर्नमेंट द्वारा कंपोज किया हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे हम चुनते हैं। हम इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत चुनते हैं जो हमारे 18 साल के बाद वोट डालने के अधिकार को कहा जाता है। इसके अंतर्गत ए रिपब्लिक इज ए कंट्री दैट हैज नो मोनार्च। रिपब्लिक एक प्रकार की कंट्री है जो राजा को नहीं रखती, वह सिर्फ सिलेक्टेड या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को रखती है। जैसे कि हमारे देश में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में PM है, उसी तरीके से द हेड ऑफ द कंट्री इज यूजुअली द इलेक्टेड प्रेसिडेंट। चुना हुआ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वहां का नेता हो सकता है। द हेड ऑफ द कंट्री पाल प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। मुख्य रूप से यह चुना हुआ देश का हेड प्रेसिडेंट हो सकता है जो इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है या फिर चुनाव के थ्रू चुना जाता है। टी क्वेश्चन के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं, इज इंडिया ए रिपब्लिक, क्या भारत एक रिपब्लिक है। बिल्कुल, भारत एक गणराज्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों द्वारा ही चुनाव के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है और चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ही आगे सरकार का निर्माण करते हैं। डिक्टेटरशिप, वेरी फ्यू डिक्टेटर एडमिट दैट दे आर डिक्टेटर। डिक्टेटरशिप क्या है? डेफिनेशन के रूप में अगर समझा जाए, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इंडिविजुअल ए पर्सन हैव फुल पावर टू एडमिनिस्ट्रेट ऑल द रीजन, कि पूरे क्षेत्र को एक व्यक्ति पूरी पावर के साथ एडमिनिस्ट्रेट करे। एंड दैट आर नॉट रेसिप्रोकल responsible for answerable to any pupil.